आप लोगों के ढेरों कमेंट्स आ रहे थे कि YouTube कम्युनिटी टैब के बारे में भी वीडियो बनाइए तो ये वीडियो मैं कम्युनिटी टैब के बारे में ही लेकर आई हूं इस वीडियो में हम जानेंगे कम्युनिटी टैब कब इनेबल होता है और उससे भी पहले कि आखिर कम्युनिटी टैब होता है, क्या है कम्युनिटी पोस्ट आपको क्यों करने चाहिए किस किस को आपके कम्युनिटी पोस्ट दिख सकते हैं और आपके अगर एक चैनल नया है तो क्यों आपके लिए यूजफुल है और भी बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे कम्युनिटी टैब के बारे में सो मेक श्योर आ को एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको इसी एक वीडियो में यह भी बताऊंगी कि आप फोन का यूज करके यानी मोबाइल फोन का यूज करके किस तरह से कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो शुरू करें हेलो एवरीवन आई हरमीज वेलकम यू ऑल ऑन डब्लू एस टेक चैनल सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने जो जितनी भी वीडियोस आई हैं यूट्यूब की और इवन जो सारी वीडियोस आ रही हैं आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए क्योंकि मैं यूट्यूब के बाद भी आपके लिए काफ़ी सारे कोर्सेज लेकर आने वाली हूँ सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड चलिए शुरुआत करते हैं फिर कम्युनिटी टैप की देखिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि कम्युनिटी टैब कुछ बोलते हैं कि हंड्रेड सब्सक्राइबर्स आपके होंगे तभी आपका कम्युनिटी टैब इनेबल होगा कुछ कहते हैं 500 पे होगा कुछ कहते हैं 700 पे होगा और कुछ के मुँह से तो मैंने ये भी सुना है कि मोनिटाइजेशन ऑन होने के बाद ही कम्युनिटी टैब आता है और इवन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मॉनिटाइजेशन भी ऑन है काफी अच्छा खासा चैनल है लेकिन अभी तक भी कम्युनिटी टैब नहीं आया है अब यहाँ पर मैं बात करूंगी 2022 की ठीक है हमें पहले से मतलब नहीं है आज की मैं बात करूंगी और जब भी ऐसे कुछ हो ना कंफ्यूजन आपके माइंड में हो तो ऐसे में एक इंसान की सुनो वो है गूगल की यानी यूट्यूब की यूट्यूब के जो ऑफिशियल ब्लॉग्स हैं वहां से आप देखिए तो चल तो मैं आपको यहाँ से खुद से नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं तो हो सकता है मुझ पर बिलीव ना करें तो इसीलिए मैं आपको लेकर चल रही हूँ गूगल के ऑफिशियल ब्लॉग पर ही गूगल के ही सपोर्ट पर ठीक है चलिए ये देखिए तो यहां पर ये यहां पर आप देख सकते हैं कि ये गूगल का ही एक ब्लॉग है यूट्यूब का इन्होंने आंसर दिया है यहां पर लिखा हुआ है कि एम आई एलिजिबल फॉर कम्युनिटी टैब इस एफ ए क्यू का इन्होंने आंसर दिया है कि अभी की बात कर रही हूँ 2022 की अगर ये आगे जाके चेंज होता है तो आप यहीं से ही चेक कीजिएगा ओके okay? या फिर मैं अपडेट ले आऊंगी आपके लिए सो क्रिएटर्स विद ओवर 500 हंड्रेड सब्सक्राइबर्स हैव एक्सेस टू द कम्युनिटी पोस्ट यानी अगर आपके 500 सब्सक्राइबर्स हैं तो आप कम्युनिटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कम्युनिटी पोस्ट ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं कि इट विल टेक अप टू वन कम्युनिटी टैब आफ्टर पासिंग द 500 सब्सक्राइबर्स अब ऐसा नहीं है आपके 500 सब्सक्राइबर्स हो गए और ऑटोमेटिकली आपका जो कम्युनिटी टैब है वो इनेबल हो गया ऐसे में आपको कम से कम एक वीक तक का टाइम लगेगा एक वीक बाद में पांच सब्सक्राइबर होने के एक वीक बाद तक भी आपका हो सकता है कम्युनिटी टैब ना आए वैसे एक वीक तक जनरली आ जाता है लेकिन उसके बाद में नहीं आता तो आप गूगल सपोर्ट पर क्वेरी डाल सकते हैं या फिर आप यूट्यूब को मेल कर सकते हैं कि हमारा अभी भी कम्युनिटी टैप नहीं आया तो फाइव हंड्रेड सब्सक्राइबर ये लिमिट फिक्स हो गई है ओके उसके अलावा अब यहां पर यूट्यूब एक चीज कह रहा है जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि यूट्यूब ना कई चीजें टेस्ट करता रहता है यूट्यूब हो गया चाहे गूगल हो गया एस में भी आपने पढ़ा होगा कुछ चीजें वो टेस्ट करते रहते हैं तो वो कह रहे हैं कि कम्युनिटी टैब हो सकता है किसी ऐसे चैनल पर भी विजिबल हो जहां पर अभी तक फाइव सब्सक्राइबर्स नहीं भी हुए हैं तो ये होता रहेगा क्योंकि हम इस फीचर को टेस्ट करते रहते हैं तो इसीलिए मैं आपको इसी विंडो पर लेकर आई हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और जो एक्चुअल डेटा है वही मैंने आपको बताया है ओके उसके अलावा एक

चूज करते हो अपनी वीडियोज के लिए अपने चैनल के लिए तो आपको कम्युनिटी टैब टर्न ऑफ रहेगा आपका कम्युनिटी टैब नहीं आएगा भले ही आपके 500 सब्सक्राइबर हैं 5000 हैं 5 लाख हैं है, ओके सो so, ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए पांच सौ सब्सक्राइब कर लो फिर कम्युनिटी टैब को इन्जॉय करो अब सवाल आता है कि चलिए ठीक है कम्युनिटी टैब इनेबल हो या नहीं हो हमें क्या फर्क पड़ता है देखिए फर्क पड़ता है कम्युनिटी टैब इंपॉर्टेंट है अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है चलिए ये जान लेते हैं अब देखो ये यूट्यूब खुद ही कहता है कि अगर किसी पर्सन ने आपको सब्सक्राइब नहीं भी कर रखा तो भी उस पर्सन को आपके कम्युनिटी पोस्ट दिखेंगे ठीक है अब मैं समझ सकती हूँ डेली वीडियो डालना तो आपके लिए पॉसिबल होगा नहीं वीडियो बनाने में थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे कॉन्टेंट बनाने में आपको मेहनत लगेगी लेकिन कम्युनिटी पोस्ट में कंपेरेटिवली कम मेहनत लगेगी ठीक है कम्युनिटी पोस्ट में आप क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं ये भी बात कर लेते हैं आप वहाँ पर इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं अपने वीडियो का कोई छोटा सा पार्ट पोस्ट कर सकते हैं जी पोस्ट कर सकते हैं और उसके अलावा आप कुछ पोल्स भी पोस्ट कर सकते हैं अब यहां पर होता यह है कि जब आप पोस्ट कर रहे हैं तो ऐसे यूजर्स जिन्होंने अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं कर रखा उन्हें भी अपने होम पेज पर आपके पोस्ट दिख सकते हैं और ये ग्रेट तरीका होगा अपनी ऑडियंस के साथ इंट्रैक्शन करने का एंड उसी के साथ ही जो मैंने आपको दूसरी बड़ी चीज बताई थी कि आपको अपनी ऑडियंस की जो चाह है आपकी ऑडियंस जो चाहती है जिस तरह की वीडियो देखना चाहती है वो जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप ऐसे कम्युनिटी पोस्ट की हेल्प लेकर आप क्या कर सकते हैं उनके लिए पोल्स डाल सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हो या फिर कुछ सर्वे आप इस तरह से डाल सकते हो जिससे आप जान पाओ कि आपकी जो ऑडियंस है जिन्होंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है या फिर जिन्होंने आपको सब्सक्राइब नहीं भी कर रखा है और जो फ्रिक्वेंटली आपके वीडियो देखते हैं या कहीं ना कहीं आपसे इंगेज तो तो आप आप तो है क्योंकि अलावा कई सारी चीजें आप कम्युनिटी पोस्ट पर कर सकते हैं जैसे आप अगर कोई फेस्टिवल है तो उससे रिलेटेड कम्युनिटी पोस्ट डाल सकते हैं कोई आपने कॉम्पिटिशन कराया है तो उसका आप क्वेश्चन या फिर कोई पोल डाल सकते हैं वहां पर और वहां से आप उनको अपने बेसिकली चैनल के बारे में बता सकते हैं और उनको एक आइडिया हो जाएगा कि

वो यहां पर आपको दिख रहे हैं और उसके अलावा आपको ये एक सेक्शन दिख रहा है कि व्हाट्स इन ऑन योर माइंड आप क्या पोस्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आप कुछ लिख भी सकते हैं लिख कर भी कोई कोटेशन या फिर कुछ इस तरह की आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं कोई पोल ऐड कर सकते हैं और आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग यूट्यूब या फिर अगर आपकी वीडियो नहीं तो आप किसी और की वीडियो से भी थोड़ा सा उसका पार्ट जो है यहां पर ऐड कर सकते हैं मैं सबकी एक एक करके बात कर लेती हूँ सबसे पहले वीडियो की बात कर लेती हूँ

पर जाएंगे तो ये आपसे टाइम पूछेगा डेट पूछेगा कि कब आपको पोस्ट करना है अगर आप इसको शेड्यूल नहीं करना चाहते तो आप इसको सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे इस तरह से पोस्ट कर देंगे ओके सो so, मैंने ये क्या कर दिया? यहां पर पोस्ट कर दिया दिया वीडियो पर पोस्ट है आप चाहे तो इस पोस्ट को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं ठीक है ठीके? जैसे मैंने कैप्शन अगर गलत लिख दिया कि तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लाइक वॉच दिस वीडियो ओके एंड मैं कर देती हूँ पोस्ट ठीक है पोस्ट ये यहाँ पर हो गया है अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा मैं आपको बता देती हूँ जैसे मैं चैनल वापस से ओपन कर लेती हूँ और कम्युनिटी टैब पर वापस से चली जाती हूं तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोगों को देखेगा कोई भी इस पर क्लिक करके क्या पहुंच जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो तक पहुंच जाएगा ओके सो ये देखिए वीडियो यहां पर ओपन हो चुकी है ओके okay, चलिए अब मैं इसको वापस आ जाती हूँ ठीक है इस पोस्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसी ऑप्शन से यहां पर राइट सेक्शन में ये देखिए यहां पर हम इसको डिलीट कर देंगे इसी तरह से जैसे मैंने अभी यहां पर पोस्ट किया ना ऐसे ही आप इमेज पोस्ट कर लेंगे इमेज में ये होगा कि या तो आप ड्रैक कर सकते हैं एक साथ पांच इमेजेस आप ड्रैक कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये नॉर्मल जैसे आप पोस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर उस तरह से होगा लेकिन मेरे को ये पोल वाला सेक्शन बताना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है आप जैसे पोल है पोल में मैं कुछ भी उनसे पूछ सकती हूँ या तो मैं कोई क्वेश्चन डाल सकती हूँ

और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ठीक है और मैं एक और ऑप्शन डाल देती हूँ ऑप्शन like भी आप डाल सकते हैं जैसे तीन चार ऑप्शन क्या कर सकते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो मैंने ये क्या किया एक मेरा क्वेश्चन डाला चार उसमें ऑप्शन डाल दिए और अब मैं इसको पोस्ट कर दूंगी पोस्ट कर सकते हैं या फिर शेड्यूल कर सकते हैं तो अब देखिए मैंने यहाँ पर ये पोस्ट कर दिया है मेरा जो पोल है अब यहाँ पे मेरी ऑडियंस क्या करेगी उनके पास ये वीडियो जाएगा और सिर्फ मेरी सब्सक्राइबर्स के पास ही नहीं बल्कि उन लोगों के पास भी जिन्होंने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन जो रेगुलर बेसिस पर मेरी वीडियोस देखते हैं उनके पास ये वीडियो जाएगा वो मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वो क्या वीडियो देखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि कंप्लीट यूट्यूब कोर्स हम देखना चाहते हैं तो वो इस पर क्लिक करेगा और यहां पर आपके परसेंटेज आ जाएंगे जैसे मान लीजिए चार लोग हैं चार में से अगर दो लोगों ने कंप्लीट यूट्यूब कोर्स सेलेक्ट किया है तो फिफ्टी इस पर आ जाएगा और बाकी के ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी बढ़ जाएगा मैं एक काम कर मैं दूसरे चैनल से आपको

डिफरेंट ऑडियंस को अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लेकर जाने का उसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पर भी लेकर जा सकते हैं एंड बेसिकली इंट्रैक्ट कर सकते हैं तो अभी तो मैंने ये डेस्कटॉप से आपको सिखाया लेकिन जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मोबाइल वर्जन भी सिखाने वाली हूं तो अब चलिए हम मोबाइल का यूज कर लेते हैं और मोबाइल से देखते हैं कि आखिर किस तरह से हम कम्युनिटी पोस्ट कर लेते हैं आप देखिए इसके लिए मैं आ जाती हूँ हमारे चैनल पर तो चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर योर चैनल पर भी आप जा सकते हैं और योर चैनल पर आप ये जो कम्युनिटी वाला ऑप्शन है ये आप देख रहे हैं इस कम्युनिटी वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कम्युनिटी पोस्ट पर ये मेरे अगेन जितने भी मैंने प्रीवियस पोस्ट किए थे वो सारे आ रहे हैं उसके अलावा अगर आपको नया पोस्ट करना है तो आप ये जो यहाँ पे खाली ऑप्शन दिख रहे हैं लाइक शेयर स्नीक पीक ऑफ योर नेक्स्ट वीडियो तो वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ठीक है अब यहाँ पर देखिए अगेन वही ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं ठीक है जैसे कि मैं लिखती हूँ कि थैंक यू फॉर सेवन हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स अब देखो सेवन हंड्रेड कर ही दिए हैं तो वन मिलियन भी जल्दी से कर दो क्योंकि मुझे पता है आ, मैंने एनालिटिक्स वाले सेक्शन में भी बताया था वीडियो में भी बताया था कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं सपोर्ट भी करते हैं लाइक like भी करते हैं कॉमेंट भी करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है सो so, आप देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेती हूँ तो ये मैंने पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट कर ली सिक्स वाली ही है जस्ट टू मुझे आपको दिखाना था कि किस तरह से आप पोस्ट कर सकते हैं या तो आप इमेज पोस्ट करके यहाँ पे पोस्ट कर देंगे या फिर जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह से आप पोल भी क्रिएट कर सकते हैं तो पोल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर जिस भी चीज़ का आप कुछ भी पोल क्रिएट कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं कि विच इज़ द बेस्ट Platform for organic

अब ये जो मेरा पोस्ट है ये यहां पर पोस्ट हो चुका है ये आप देख सकते हैं इस तरह से तो जिस जिस पर्सन जो जो पर्सन यहां पर कमेंट करेगा यहां पर इसको लाइक करेगा वो मेरे को यहां पर दिख जाएगा ओके सो so यहां पर हमने क्या सीखा कि किस तरह से आप एक मोबाइल फोन का भी यूज करके आप कितना ईजिली कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं वेब पर भी मैं आपको बता चुकी हूं एंड मैंने आपको ये भी बता दिया कि कब आपका ये इनेबल होगा तो जल्दी जल्दी से फाइव हंड्रेड सब्सक्राइब कर लीजिए और कम्युनिटी पोस्ट को इनेबल कीजिए और इंट्रैक्ट कीजिए अपनी ऑडियंस के लिए अगर इस वीडियो से एक भी कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नेक्स्ट क्या वीडियोस देखना चाहते हैं नेक्स्ट कौन सा कोर्स चाहते हैं एंड उसके अलावा जो मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच